सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में पढ़ा, SBI के नेट बैंकिंग के जरिए आप जो है कैसे NEFT के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। इससे पहले मैंने आपको बताया कि NEFT क्या होता है, यानी कि मैंने आपको NEFT वाला वीडियो में जो है NFT के बारे में पूरा जो है कंप्लीट नॉलेज दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप बहुत ही आसानी से उस वीडियो को देखकर आप जो है NFT के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर कोई भी क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन करना है, जैसा कि आप बगल के स्क्रीन में जो है देख रहे हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे, अब आपको सर्च बार में ऊपर में कुछ भी लिखकर जैसे आप सर्च करते हैं, जो आप ढूंढना चाहते हैं, आपको वहां पर सर्च एड्रेस जो होता है उसमें आपको ऑनलाइन SBI लिखकर सर्च करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको उसमें ऑनलाइन SBI लिखकर सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने जो है ढेर सारी वेबसाइट खुलकर आएंगी। आपको उन सभी वेबसाइट में से जो पहला वेबसाइट है, या फिर मैं जो वेबसाइट या आप जो है बगल के स्क्रीन में जो देख रहे हैं, मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं उस वेबसाइट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है डायरेक्ट जो है इस वाले वेबसाइट पे, ये जो पेज है, आप इस पे आ जाएंगे। तो अब आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके पास मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर, यह वीडियो देखने के बाद जो है आप किसी पर भी जो है आप बहुत ही आसानी से NEFT के माध्यम से पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यदि आप लैपटॉप पे हैं तो आपको डेस्कटॉप साइट तो होता ही है, और यदि आप मोबाइल पे हैं तो आप बगल में क्रोम ब्राउज़र के 3 साइड में होता है 3 डॉट पे आप क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लें, या फिर आप जो है नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में आपको विथआउट डेस्कटॉप साइट करके ही बताऊंगा। तो अब आपके सामने जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे पर्सनल लॉगिन पे, मतलब पर्सनल जो दिख रहा है, जैसा कि आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहाँ पे कैप्चा फिल करने के लिए बोला जाएगा। आपको कैप्चा फिल करने के बाद नीचे की ओर आएंगे तो आपको लॉगिन का एक बटन दिखेगा। आपको उस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आप जो है स्टेट बैंक का जो नेट बैंकिंग का पोर्टल है, आप उसमें जो है सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए इससे आगे की प्रोसेस जो है मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे जो है लेकर चलता हूँ। अब आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो 3 लाइन का आपको ऑप्शन दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इस 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने जो है ढेर सारी ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। आपको उन सभी ऑप्शंस में से सेकेंड ऑप्शंस पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने जो है फिर से ढेर सारी ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो है आपको आना है। जी हाँ दोस्तों, आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करके यहाँ पर आना है, और आपको इसमें जो है आउटसाइड SBI में, जी हाँ दोस्तों, आपको आउटसाइड SBI में यहाँ पे जो है देख सकते हैं अदर बैंक ट्रांसफ़र मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आप जो है पैसे NFT से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन में। जी हाँ दोस्तों, तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद से जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि NEFT का जो सर्विस है 24/7 अवेलेबल रहता है। तो
तो मैंने जो है आपको NEFT क्या होता है उसमें जो है आपको ये सारे जो है डिटेल बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीट में आपको मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे NEFT को सिलेक्ट करना है और प्रोसेस्ड पे क्लिक करना है। आपको कितना पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आपको इस अमाउंट वाले कॉलम में फिल करना है, और आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप जो है पर्पस देखेंगे, आपका मेन पर्पस क्या है। तो आप जो है इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर ले, आपका पर्पस यदि इसमें से मैच नहीं खाता है तो आपको अदर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करने के बाद जो है आप इसमें जो भी आपका उद्देश्य है आपको उसमें फिल कर देना है, बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बेनिफिशियरी नेम यहाँ पे एक ऐड है। जी हाँ दोस्तों, इस व्यक्ति को मैं पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। नीचे में पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे में आपको ISA एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पर क्लिक करना है और सबमिट पे जो है आपको क्लिक कर देना है। और सॉरी, यहाँ पे मैंने इंटर अमाउंट नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं जो हूँ अमाउंट जो है मैं ऐड कर देता हूँ 5 रुपीज़, और उसके बाद से जो है आपको सबमिट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने जो है एक फिर से विंडो खुलेगा, इसमें जो है आपके सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। आपको इन सभी डिटेल्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं, आपको ये सारे डिटेल्स जो हैं यहाँ पे जितने भी आपको डिटेल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, आपको इन सभी डिटेल्स को क्या कर लेना है, मिला लेना है। सिंपल नहीं, आपको कन्फर्म यहाँ पर लिखा है, आपको इस पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, अब आपसे यहाँ पे जो है एक पासवर्ड आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पे एक यहाँ पे जो इंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड लिख रहा है आपके मोबाइल फ़ोन पे या मैसेज के थ्रू आएगा, और इसके बाद से आपको नीचे की ओर आना है और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुली जो है हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आपका रेफरेंस जो है नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सारे डिटेल्स जो है आप यहाँ से मिला सकते हैं। चाहे तो आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रिंट जो है आपका आ गया है। तो आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके भी यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे और आप जो है इसको PDF फॉर्मेट में जो है सेव कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं PDF फॉर्मेट में भी इस एप्लीकेशन को सेव कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।